खबर यूपी के बुलंदशहर से, जहां पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो इनामी बदमाशों को धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक 25-25 हजार के इनामी बदमाश कन्हैया और विजेंदर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने बुलंदशहर आए थे और तभी सूचना मिलने पर पुलिस सिकंदराबाद में नेशनल हाईवे 91 पर पहुंची, जहाँ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और साथ इस दौरान पैर में गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने दबोच लिया और अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने बदमाशों से बाइक, पिस्टल और कारतूस जब्त किए और फिलहाल पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। ये इनका आपराधिक इतिहास है, ये लूट, हत्या और चोरी कई विभिन्न तरह के मुकदमों में वांछित थे और ये इनकी सूचना पुलिस को मिल रही थी कि पुलिस काफ़ी दिनों से इसके पीछे भी लगी हुई थी लेकिन मिल नहीं पा रहा था। तो ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए, क्योंकि इनका एक साथी अभी जेल में बंद है, उसको छुड़ाने के लिए पैसा इकट्ठा कर उसको छुड़ाने के प्रयास में थे, जैसा इन्होंने पूछताछ में बताया। यहाँ मंडी है, मंडी में ये किसी बड़े व्यापारी को प्रातः लूटने के लगभग 3 बजे के करीब निकले और 3 बजे लूटने के प्रयास में थे, क्योंकि लोग उस समय सोए रहते हैं। थोड़ा ऐसे में जो है इनको मौका मिला है, पहले भी इन्होंने वारदात लगभग। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।